This podcast is brought to you by Score Foundation. नमस्कार मैं जॉर्ज इब्राहिम और आपका स्वागत है आई वे कॉन्वर्सेशन के इस कड़ी में आज हमारा मेहमान है रानू मैनी जो मेरठ के रहने वाली है ये एक उभरता हुआ रेडियो जॉकी है एक यूट्यूबर है और एक प्रशिक्षित शिक्षक भी है स्वागत है रानू थैंक यू सो मच सर हाल ही में हमने एक व्हाट्सएप मैसेज में देखा था या एक ईमेल में देखा था कि आप आ, रेडियो उड़ान में आपका एक शो होने वाला है या एक शो लॉन्च हुआ है तो ये रेडियो उड़ान के साथ आपका जो सिलसिला है ये कैसे हुआ और आ, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे आ, रेडियो उड़ान में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ और मेरे शो का नाम है वर्सेस ऑफ विजडम विद आरजे रानू जो हर वेडनेसडे रात आठ बजे आता है और रेडियो उड़ान के लाइक के साथ जर्नी मेरी अभी कुछ महीना पहले शुरू हुई अराउंड जुलाई के आसपास इनका रेडियो उड़ान का आरजे हंट ट्वेंटी का सीज़न आया था तो उस समय मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे कंपटीशन आया है और जैसे कि में है स्किल्स अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी तुम चला रही हो तो यू शुड टेक पार्ट इन दिस तो मतलब पहले मुझे नहीं लगता था कि मतलब मुझे करना चाहिए पार्टिसिपेट इसमें बट फिर मैंने किया और मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं विनर बनूंगी या कुछ ऐसा नहीं सोचा था जस्ट मैंने कर दिया पार्टिसिपेट आ, uh, मेरी जो कला थी मेरा बोलने का जो तरीका है मेरी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल है और जो मेरी नॉलेज है वो उनको पसंद आई और उन विनर्स में मैं भी एक रही हिस्सा फर्स्ट रनर अप रही मैं तो अभी मैं उनके साथ सिक्स मंथ्स की इंटर्नशिप कर रही हूँ और उसके बाद उनको मतलब जो भी होता है हमें वीकली शोज वगैरह देने होते हैं तो इस हिसाब से हमारा शो चलता है ये जो ऑडिशन हुआ कई राउंड्स हुए तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा गहराई से बताएंगे जुलाई में आई थिंक इसका फर्स्ट ऑडिशन हुआ था फॉर्म फिलअप होने थे और उसके बाद ऑडिशन हुआ था तो फर्स्ट ऑडिशन में तो उन्होंने बोला था कि आप कोई भी अपनी का टॉपिक अपनी चॉइस का टॉपिक ले सकते हैं और मैंने उस समय अपनी चॉइस का टॉपिक भी लिया था तो जैसे कि उस समय वो मॉनसून सीजन भी चल रहा था तो मैंने उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लिया था तो वो ने काफी पसंद आया और उन्होंने जो भी फीडबैक्स देने थे वो उन्होंने दिए उसके बाद जो राउंड हुआ था वो जिंगल राउंड था जिंगल राउंड में आई थिंक सेकेंड राउंड का या जो कि अगस्त के आसपास हुआ था जिंगल राउंड में उन्होंने खुद से ही मुझे एक आ, प्रोमो का वो दिया था जिसपे मुझे लाइक प्रोमो का बनाने के लिए जिंगल बनाने के लिए दिया था उस मुझे उनका जिंगल अपने स्टाइल में बनाना था तो वो हुआ और फर्स्ट राउंड जो ऑडिशन था जिसमें मेरे को खुद से चॉइस करनी थी टॉपिक की वही एक एलिमिनेशन राउंड था क्योंकि तो उसमें ही ऑडिशन होने थे उसमें ही लोगों को सिलेक्ट किया जाना था फिर थर्ड राउंड जो हुआ वो अराउंड सितंबर के आसपास कह सकते हैं हम सितंबर या अक्टूबर बिगनिंग में कह सकते हैं तब हुआ और उसमें उन, उन्होंने हमें प्रॉपर जो रेडियो का शो होता है विद इन फोर्टी टू वन आवर का जो फोर्टी फाइव से वन आवर का विद ऑल द के 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 साथ और information के साथ और वो बनाने के लिए उन्होंने दिया था तो वो भी उन्होंने टॉपिक खुद से दिया था कि आपको इस टॉपिक पे बनाना है और वो टॉपिक सबके लिए सेम था लाइक जो सेकेंड राउंड में जिंगल राउंड था उसमें सबको अलग अलग दिए गए थे बट जो थर्ड राउंड था जिसमें शो हमें बनाना था वो उन्होंने सबको सेम दिया था तो हमने उस पर वो आ, बनाया था शो और मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगी कि जो शो बनाने में, में मेरी ऑडियो करनी थी वो मेरे फ्रेंड मिस्टर जी ने करके मुझे दी थी अभी चलते हैं आपका जो पैशन है यूट्यूब तो आप कुछ महीने से एक जी। अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा आप बताएंगे वैसे तो ये YouTube चैनल जनवरी में खुला था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय मैंने इस चैनल को खोला था जहाँ मैंने एक पोयम इंट्रोड्यूस की थी ऑन दिस ओकेजन बट उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लाइक फर्स्ट टाइम मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने खोला था उतनी मुझे नॉलेज नहीं थी कैसे करना है क्या करना है और मैं इस असमंजस में थी इस डायलेमा में थी कि अगर मैं रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाऊ तो आई हैव टू बी डिपेंड ऑन समवन मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा लोगों पे बट उसके बाद मुझे एक आइडिया आया या ये कह सकते कि मेरे जो क्लोज वंस थे उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तुम अपनी रिकॉर्डिंग करो वॉइस ओवर दो और इमेजेस लगा लो उसमें जैसे कि अगर आप कोई भी टॉपिक पे बोल रहे हो तो उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स लगा सकते हो कुछ वीडियोस में आप अपनी यूज कर सकते हो तो धीरे 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 करके वो टाइम स्पेंड के बाद अराउंड अगस्त सितंबर अगस्त के अराउंड जब हमारा इंडिपेंडेंस डे का टाइम था उस टाइम मैंने फिर प्रॉपर इस पर वर्क करना शुरू किया और इसमें आ, मेरी मदर मेरे फादर मतलब उन्होंने मुझे काफी वो बोला कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी स्किल है नॉलेज है कम्युनिकेशन स्किल है और आप आरजे में भी सिलेक्ट हो गए हो तो आपको इसपे वर्क करना चाहिए और मेरे फ्रेंड ने भी मुझे बोला तो बस फिर उसके बाद क्या था ये जर्नी स्टार्ट हुई और मेरा जो कंटेंट रहता है वो डाइवर्स टॉपिक्स पे रहता है जो कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेटिव होते हैं नॉलेजेबल होते हैं जैसे कि कई चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें शायद नॉलेज नहीं होती कह सकते हैं अननोन फैक्ट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग माइथोलॉजी से लेकर हिस्टोरिकल एवरीथिंग और वही कुछ टॉपिक्स मेरे रहते हैं इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल टॉक्स Uh, से रिलेटेड जिसमें हम अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को लोगों से जो सीख सकते हैं उसको किस तरह हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस को अगर हम अपनी जिंदगी में उतार ले तो हमारी लाइफ किस तरह से एक अः बेटर मोड पे जा सकती है तो उससे रिलेटेड रहते हैं वहीं कुछ अपनी कला दिखाते हुए भी मैं शायरी पोएम वगैरह लाती रहती हूँ ओकेजनली तो इस डाइवर्स कंटेंट पर ही मेरा यूट्यूब चैनल जो है चलता है मेलोडियस मास्टरपीस करके मेरे यूट्यूब का आ, नाम है यूट्यूब चैनल का हाल ही में आपने एक एपिसोड लाया था द पावर ऑफ साइलेंस मैंने वो सुना था और मुझे अच्छा लगा इज दैट योर लेटेस्ट वन या मैंने अभी दो तीन दिन पहले ही उसको अपने यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्ड करके डाला था आपने ये भी कहा कि आपके खुद के लिखे हुए शेर है उसमें आपके खुद के लिखे हुए पोएम्स हैं आपको कुछ याद है जबानी जो आज आप सुना सकते हैं Um, ऐसे तो याद नहीं है क्योंकि जो मेरे और पोएरिया रहते हैं ना बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल कवियत्री नहीं हूँ बट मेरी जो भी उसमें कविताएं या शायरियाँ रहती हैं वो इंस्टेंट ही होती हैं जो अगर मैं उस पॉइंट पे लिख दूँ तो मुझे याद रहती हैं अदरवाइज बाद में फिर मैं नहीं उसको रिमेम्बर कर पाती हूँ और कई बार कुछ फेस्टिवल्स वगैरह पे भी लिखी है बट वही होता है कि उन कविताओं में शायरियों में और सिंगिंग में तीनों चीज में मैं अकेले नहीं वर्क करती हूँ उन तीनों चीजों में मुझे एक वही मेरे फ्रेंड जो है वो काफी हेल्प करते हैं और उस दौरान जो भी चीजें आती हैं वो बस इंस्टेंट होती हैं और वो हम डाल देते हैं उस चैनल पे मतलब उसी टाइम रिकॉर्ड करके मैं उसको वहां पे डाल देती हूँ हाँ जी हाँ जी इंस्टेंट इंस्पिरेशन और, और अगर हमें सुनना है तो आपके चैनल सुनना होगा हाँ जी यूट्यूबी इफ यू नो ऑफ एनी विद विजन एम्पेयरमेंट हु नीड्स गाइडेंस ऑन लिविंग लाइफ विद ब्लाइंडनेस प्लीज शेयर द आईवे नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर वन एट द नंबर इज आपके वॉइस इस्तेमाल करना आपका नॉलेज इस्तेमाल करना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल करना इस बारे में आपका सोच सबसे पहले कब हुआ और कैसे हुआ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ स्पिरिचुअलिटी में काफी बिलीव रखती हूँ तो उस समय जो वो दौर चल रहा था जनवरी में जब काफी ज्यादा इस चीज की चल रही थी चर्चा की भाई राम मंदिर एंड ऑल दैट तो आई वॉज इट की आई तो बस उस समय पर थॉट आया कि कुछ करना है और तभी मतलब मैंने इसको लिखा लेकिन वही था कि उसके बाद जैसे कि नॉलेज नहीं थी फिर वही इंस्पिरेशन मुझे अपने क्लोज वन से मिली कि आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए ऐसे आप रुको मत क्योंकि तो अगर आपके पास कोई चीज है कोई कला है कोई नॉलेज है तो वो उसको मारो मत उसे अगर आप बढ़ा सकते हो उभार सकते हो तो वो उस पर वर्क करो तो बस फिर और फिर मेरे एक्चुअली मेरे मैंने जो है आ, दो तीन साल अपना मेडिटेशन वगैरह में भी दिया है तो उसमें मैंने काफ़ी चीजें सीखी हैं काफी नॉलेज गेन की है कि ग्रेटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है फॉरगिवनेस का क्या इंपॉर्टेंस है साइलेंस अगर हम अपनी लाइफ में रखते हैं तो इस टाइप के काफी uh, मोटिवेशनल टॉपिक उसमें हमें बताया गया था और उसके अलावा काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में चाहे वो हिस्टोरिकल हो माइथोलॉजिकल हो काफी पढ़ा हुआ था बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट तो दैट्स वाई तो मुझे था कि वो किसी तरह लोगों तक पहुंचे पर मुझे नहीं पता था किस तरह पहुंचा सकती हूँ मैं और वही यूट्यूब बनाने का था कि पर बनाऊं तो वीडियो पर डिपेंड रहना पड़ेगा किसी के थ्रू बने वीडियो और तब मैं उसको अपलोड कर सकू लेकिन फिर वॉइस ओवर वाले आइडियाज जो मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने दिए तो मुझे उससे लाइक मुझे भी उससे मोटिवेशन मिली एनकरेजमेंट मिला कि ठीक है करते हैं देखा जाएगा अगर लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है We do our work. हमें अपना काम करना चाहिए अपना कर्मा करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए तो बस फिर उसके हम, like, मैं उस काम में लग गई और view, अपने जब आपने अपना जिंदगी का सफर शुरू किया तो आपके पेरेंट्स आपके दृष्टिबाधिता के बारे में उनका सोच क्या था समझ क्या था और उनको क्या मोटिवेट किया कि आपको पढ़ाना है आपको जिंदगी में सशक्त करना है उनका आइडियाज क्या था और उनका अनुभव क्या था काफी प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बट अगर मैं अपने पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं टुवर्ड्स मी तो उन्होंने कभी इस चीज को नहीं लाया कि भाई आई एम अ विजुअली पर्सन तो आई शुड नॉट डू एनीथिंग एंड ऑल दैट उन्होंने डे वन से सपोर्ट किया और आपके पूरे स्कूलिंग जो है बारह साल साइटेड स्कूल्स में ही हुआ सो so, और वो भी मेरठ जैसे शहर में जहां पर शायद की कमी हुआ होगा तो व्हाट वर द चैलेंजेस और उसका उन चैलेंजेस का सॉल्यूशंस क्या था चैलेंजेस तो थे बट मैं ये बोलूंगी कि विद मी, विद मी जब भी चैलेंजेस आए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकला और जब आई वॉज इन सेकेंड थर्ड क्लास तो थर्ड के बाद आई लाइक like, मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा था कुछ रीजन की वजह से तब उस समय ये था कि दूसरा स्कूल कौन होगा कौन लेगा तभी एक स्कूल है डी ए वी पब्लिक स्कूल करके फोर्थ क्लास में मैंने वहां पे एडमिशन लिया उस समय बहुत चैलेंजेस थे बिकॉज ऑब्वियसली बात है मेरठ में मेरठ ही नहीं बल्कि मैं कहूंगी पूरे यूपी में आई थिंक इंक्लूसिविटी को लेके काफी अवेयरनेस की कमी है और इस चीज की कमी है कि वो हम लोगों को समझे विजुअली इम्पेयर डिफरेंटली एबल लोगों को समझे तो, तो फोर्थ क्लास में जब मुझे डीएवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना था तो वहां पे एक प्रिंसिपल थे जिनका नाम था प्रेम लाइक प्रेम मेहता सर उनका नाम है वो उनकी उन्होंने मुझे उस स्कूल में एडमिशन दिया बट अनफॉर्चुनेटली ही मेरा एडमिशन हुआ विद इन टू थ्री मंथ्स वो वहां से रिटायर हो गए तो टेंथ तक तो मैं उसी स्कूल में पढ़ी और वहां मैं ऑनेस्टली बताऊँ चैलेंजेस काफी आए काफी आए बिकॉज फोर्थ टू थिंक फोर्थ से लेकर एट्थ तक तो स्कूल वाले ही राइटर दे देते थे लाइक uh, like, राइटर भी नहीं मतलब जो हमारे एग्जाम्स होते थे वो टीचर्स अपने आप ओरली लेकर उसको मैनेज कर लेते थे बट नाइन्थ और टेंथ में अः uh, वहां पे रूल uh, है कि ऑब्वियसली राइटर लाइक like, प्रॉपर एग्जाम लिखना होता है राइटर रिक्वायर्ड होता है और एट्थ तो वैसे भी डीएवी में बोर्ड होता है और स्कूलों में टेंथ ट्वेल्थ बोर्ड होते थे बट डीएवी में एट्थ भी बोर्ड होता है तो उनका रूल था कि भाई हम अब ओरल तो नहीं ले सकते एट नाइन टेंथ में आपको राइटर अरेंज करना ही रहेगा और ये रूल होता है कि भाई स्कूल वाले ही आपको राइटर प्रोवाइड कराते हैं बट वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी समटाइम्स दे अलाउ कि हाँ हम टीचर को या किसी को राइटर बना देंगे कभी वो नहीं बनाते थे तो हमें अरेंज खुद से करना पड़ता था अब उसमें भी चैलेंज ये आता था, था कि एक स्टैंडर्ड छोटा चाहिए आप बड़ा नहीं ले जा सकते साथ का भी नहीं ले जा सकते ये तो ये खैर हर जगह का रूल है आई विल नॉट से स्कूल का रूल है तो अगर गवर्नमेंट एग्जाम दो आप तो वहां का भी यही रूल है तो उसमें चैलेंज काफी ये रहते थे कि अभी किसको ले क्योंकि तो स्कूल तो सबका ही है अभी मुझसे जो जूनियर स्टैंडर्ड्स नहीं करता तो इस तरह से बट टें बाद जब मैंने स्कूल स्विच किया बिकॉज ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड जैसे की मेरा है तो टेंथ में मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी थी तो वहां अवेलेबल नहीं था उस टाइमैनिटीज इलेवेंथ में मैं सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में गई एंड दोस्त टू वी इयर्स मी तो उस दो सालों में मैंने जो लकीली वो प्रिंसिपल वहाँ उस समय मतलब पोस्टेड थे जिन्होंने मुझे डीएवी में एडमिशन दिया था मिस्टर प्रेम मेहता सर तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिशन दिया और उस समय तक मेरी मॉम भी जॉब करने लग गई थी तो वो मेरे साथ ही स्कूल में थी और वहां मुझे काफी ओपन अपॉर्चुनिटीज मिली मतलब जब मैं डीएवी में थी तो मुझे कल्चरल एक्टिविटीज में भी कह आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अगर आपको स्पीचेस देनी है या किसी इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले, ले, ले करना है या अगर आपको सिंगिंग लाइक सिंगिंग वगैरह जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक प्रोग्राम्स होते रहते तो उसमें सिंगिंग वगैरह का भी चलता ही था तो No were there, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सपोर्ट तो किया ने, और स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया प्रिंसिपल ने बहुत सपोर्ट किया मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली इंटर स्कूल कंपटीशन का एक डिबेट कॉम्पिटिशन था उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद एग्जाम्स के टाइम पे राइटर्स उन्होंने खुद दिए मुझे इलेवन टोर्ड के टाइम पे भी मुझे खुद दिया टीचर्स एग्जाम टाइम पे खुद मुझे अगर मुझे समझ नहीं आ रही है तो देवर ऑलवेज वेलकमिंग उनका बहुत वेलकमिंग नेचर था आप इजिली जाके उनसे समझ सकते हो पूछ सकते हो बिकॉज इलेवे ट्वेल्थ में मेरे पास ह्यूमानिटीज में एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट था तो लाइक इंडियन इकोनॉमी तो बहुत इजी होती है लेकिन जब वहां पार्ट आ जाता न्यूमारिकल वाला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह माय माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो टीचर्स वर वेरी हेल्पिंग एंड माय सर उन्होंने मुझे काफी गाइड किया था उसमें तो इस तरह से मेरी जर्नी रही तो 12 साल तक और 12th में उन मेरी मेहनत तो रही रही बट जब तक आपको आपके टीचर्स आपका Uh, आपके लाइक like, आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपके आपके प्रिंसिपल पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप टॉप कैसे कर लोगे मेहनत तो आप कर लोगे बट इन्वॉर्मेंट भी सपोर्टिव होना चाहिए राइट पॉजिटिव होना चाहिए तो वो वो चीज मुझे वहां मिली तो दैट्स वाई मैं उस स्टेज uh, पर पहुंच पाई कि मैंने ट्वेल्थ में अपनी ह्यूमेनिटी सेक्शन में uh, टॉप किया था और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह पे लाइक like, अमीरा फोटो वगैरह इंटरव्यू वगैरह भी उस समय आया था जब आप 11th और 12th पढ़ रहे थे तो आपके साथ और भी दिव्यांग या विकलांग छात्र थे या आप अकेले थे जब मैं सिटी वोकेशनल में 11 12th पढ़ने गई आई वाज द ओनली एंड द फर्स्ट चाइल्ड जो विजुअली इंपेयर्ड थी बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस थिंग कि जब मैं वहां से पास आउट होकर निकली मेरे बाद दो तीन लोग आई मीन दो तीन स्टूडेंट्स और आए, आ, उस स्कूल में पढ़ने जो कि एज अ विजुअली इंपेयर स्टूडेंट्स रहे हैं टू सपोर्ट our वर्क with the blind यू कैन विजिट द डोनेट पेज ऑन donate वेबसाइट on our website डॉट स्कोर फाउंडेशन डॉट प्लीज नोट मेरठ के बाद आपका बारहवीं कक्षा के बाद आप दिल्ली आए और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया तो यहाँ पर जी। यहाँ पर आपका अनुभव क्या था स्कूल जैसे ही था या यहाँ पर कुछ फर्क महसूस हुआ आपको जो भी वहाँ के लेक्चर लेक्चरर्स थे जो भी प्रोफेसर थे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे और स्टूडेंट्स ने काफी मुझे सपोर्ट किया वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी आ, अभी भी कांटेक्ट में है कभी कभी बात होती है जिनका नाम है प्रगति तो लाइक like, कोई भी टाइम हो शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी और मुझे कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे याद भी हैं जब कॉलेज खत्म हो गया या कॉलेज के बीच में भी मुझे एमरजेंसी इमरजेंसी के बाहर जाना पड़ रहा है लाइक like, मुझे लाइब्रेरी uh, जाना है लाइब्रेरी मींस जो आर्ट फैकल्टी है वहां पे बुक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ रहा है या मेरे फोन में कुछ इशू हो गया ऐसे ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं दैट टाइम शी वाज देयर फॉर मी काफी करके दी लाइक घर जाके भी वो मुझे रिकॉर्डिंग्स करके भेज रही है पता नहीं कितने -कितनी तो से, तो से टाइम चला गया फिर उसके बाद ट्वेंटी में मैंने बी में एडमिशन लेना ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि मेरा टीचिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था आई I मीन mean, है ऑल्सो क्योंकि मुझे आई डोंट नो मेरे को ना नॉलेज स्प्रेड करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है अभी वो मैं कैसे भी करूँ तो मुझे था कि मैं कहीं अपनी इस चीज को अपनी आ, skill को utilize करूं। और आपको मैं ऑनेस्टली बताऊ जब मैं अपनी बी कर रही थी तो उसमें हमें इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है और फर्स्ट ईयर में हमें वन मंथ की इंटर्नशिप कराई जाती है सेकंड ईयर में हमें फोर मंथ्स की तो जब मैं इंटर्नशिप पे गई और मैंने वो सब परफॉर्म की एक्टिविटीज एज ए टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उसके लिए प्रिपेयर होना वो एक अलग ही फील होती है आई डोंट नो लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं बट वो मैंने चीज फील करी जो मैं समझती हूँ शायद मैं किसी फील uh, किसी दूसरे फील्ड में फील ना कर पाऊजिंग में वहां जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और उस स्टेज पर थी कि हाँ आई एम अ टीचर वो वो वाला वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था तो बस फिर मैंने कहा कि टीचिंग में ही जाना है तो बस वहीं इस इसी वजह से फिर भी एड में एडमिशन लिया था। बीस uh, साल बाद जब आप मान लो पैंतालीस साल का हो या पचास साल का हो आप अपने आप को किस आप कैसे विजुलाइज़ योरसेल्फ? After twenty years I I am I like I am seeing myself as a successful teacher and as a YouTuber. और जो मतलब कहीं ना कहीं सोशल वर्क कर रही है एक अच्छे लेवल पे सोशल वर्क कर रही है और पॉजिटिविटी uh, स्प्रेड कर रही है स्पेशली वेरी गुड थैंक यू रानू आपने टाइम निकाला हमसे बात किया विश यू द वेरी बेस्ट यू हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर यू आर टैलेंटेड और मोस्ट इंपोर्टेंटली यू हैव एस्पिरेशंस एंड आइडियाज फॉर द फ्यूचर थैंक यू This podcast was brought to you by Score Foundation.